पानी और खाद सही मात्रा में हो तो फूल पत्ते कितनी खूबसूरती से खिल उठते हैं, अपनी महक से बगीचे को निखारते हैं। इन फूलों की तरह ही तो होते हैं हमारे बच्चे, इन्हीं की तरह अपनी जिंदगी को महकाते हैं, खूबसूरत बनाते हैं। और जैसे फूल डाली से हटने के बाद ही अपनी महक बिखेरता रहता है, वैसे ही बच्चे भी अपनी जिंदगी में अपनी राह खुद चुनते हैं। हमें बस पेड़ की तरह उनके साथ रहना है जब तक वो अपनी राह न ढूंढ पाए। पर उनका हाथ कब पकड़ना और छोड़ना है ये तय करना बहुत मुश्किल है। आज मैं कॉलेज के लिए फिर लेट हो जाऊंगी। मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेकर आया हूँ। मुझे पता है क्या है सरप्राइज। आज हम रामप्यारी में नहीं जाएंगे ना? नहीं नहीं जाएंगे तो हम रामप्यारी में। यार उस कार की वजह से ना हमें रोज एक घंटे पहले निकलना पड़ता है। धीरे से बोलो, अगर वो सुन लेगी ना तो वो लाल पीली हो जाएगी। और डैड ओके सुनो TL। और इसका फुल फॉर्म क्या है? तुम्हारे लिए गिफ्ट। अंदर कुछ और भी है। ये क्या है डैड? एक बार लेने से पहले मुझसे पूछ लिया होता। पूछ लेता तो फिर ये सरप्राइज गिफ्ट कैसे होता? कैसा लगा? ओके टाइप था डैड, बट दिस कलर इट्स टू ब्लिंगी। और ये कवर तो, एक काम करिए आप इसे वापस दे दीजिए। हेलो, ये तुम्हारी फेवरेट डकी है, याद है? हाँ डैड, लेकिन अब मैं बच्ची नहीं हूँ। हम ना इसके बारे में बाद में बात करते हैं जब मैं कॉलेज से वापस आ जाऊंगी। अभी के लिए चले, बहुत लेट हो रहा है। चलो। तुम बच्ची हो। ओके करीना बेटे, आज शाम को हम मोबाइल शॉप जाएंगे और तुम्हारी पसंद का मोबाइल फोन खरीदेंगे। परफेक्ट परफेक्ट लव यू डैड। लव यू टू बेटे। थैंक यू, थैंक्स। अरे सर, इसमें थैंक्स क्या बोलना, ये तो हमारे रोज का काम है। चल भाई। तूने बैग रखे? हाँ बैग रखे और बहुत सारे क्यूट टॉप्स भी। यार मेघना और भावना भी आ रहे हैं, जब सब मिलकर मेरे घर पे नाइट आउट करेंगे तो कितना मजा आएगा। और वैसे भी ये हमारी फर्स्ट नाइट आउट है। आई एम सो एक्साइटेड, यू नो। नाइट आउट और करीना, हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? जिसके पापा रोज उसे स्कूल गर्ल समझकर कॉलेज छोड़ने आते हो, वो नाइट आउट तो क्या डे आउट भी नहीं कर सकते। हाँ मेरे पापा मुझे रोज कॉलेज छोड़ने आते हैं, वो इसलिए क्योंकि उन्हें मेरी फिक्र है। और हाँ, मेरे पापा के बारे में एक बात नहीं सुनूंगी। Is that clear to all of y'all? It's too blingy और ये कवर तो, एक काम करिए आप इसे वापस दे दीजिए। ये तुम्हारी फेवरेट टक्की है, याद है? हाँ डैड, लेकिन अब मैं बच्ची नहीं हूँ। किसी ने आपको स्टैच्यू किया है? नहीं किया है, आपको आपके मन ने स्टैच्यू किया है। आप अभी भी सुबह वाली बात सोच रहे हैं ना? अमृता मुझे बताओ कि इस फोन में क्या खराबी है? हाँ, और ये कवर, क्या ये कवर बुरा है? फोन भी अच्छा है और ये कवर तो GITM। GITM? Gifted to me। नया है, याद रखना, बाद में लिख लूंगा मैं। अच्छा लग रहा है ना? अच्छा तो है, लेकिन करीना को अच्छा क्यों नहीं लगा? करीना अब बड़ी हो गई है। वो बड़ी हो गई है, तो बच्ची है वो। आपके लिए तो वो हमेशा बच्ची रहेगी, लेकिन वो बड़ी हो गई है, यही सच्चाई है।
उसकी सोच बदल रही है, उसकी पसंद बदल रही है। हाँ, आपको अगर किसी को पैम्पर करना है इस घर में तो अभी भी एक बच्ची है। कौन? मैं। राज, क्या आपको सच में लगता है कि आपका करीना को रोज कॉलेज छोड़ना सही है? अमृत, जब वो प्ले ग्रुप में जाया करती थी मैं छोड़ा करता था, स्कूल में जाती थी मैं छोड़ा करता था, अब कॉलेज में जा रही है तो मैं ही तो छोड़ूंगा। राज, लेकिन वो अब प्ले ग्रुप और स्कूल में नहीं है, वो कॉलेज में पढ़ती है, और शायद आपका उसे रोज कॉलेज छोड़ना उसे अच्छा नहीं लगे। करीना, करीना ने तुम्हें कुछ कहा? नहीं, ऐसी कई बातें हैं राज जो बिना कहे भी माँ बाप को समझनी चाहिए। मॉम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, अकेले में? हाँ, लेकिन अच्छा है कि डैड भी यही है। गुड, आओ बैठो। मॉम, डैड, वो मेरी फ्रेंड है ना दियाली, क्या मैं इसके घर नाइट आउट के लिए जा सकती हूँ? नहीं। क्यों नहीं डैड? मुझे पता आप क्या कहेंगे, यही ना कि मैं अभी भी बच्ची हूँ। पर डैड, शी इज माय बेस्ट फ्रेंड, अब उसके पेरेंट्स को जानते हैं, अब उसके घर के माहौल को जानते हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं जा सकती? आपको पता है सबके पेरेंट्स ने परमिशन दे दी है, तो मुझे परमिशन क्यों नहीं मिल सकती? करीना रोते नहीं है बेटा। तो मैं क्या करूं मम्मा? आपको पता है कॉलेज में सब मुझे चिढ़ाते हैं, कहते हैं कि देखो पापा की डॉल आ गई, कहते पापा मुझे अभी भी एक छोटी बच्ची की तरह ट्रीट करते हैं। एंड यू नो, कॉलेज में ना मेरे अलावा किसी की भी मॉम या डैड उन्हें कॉलेज नहीं आते छोड़ने। कॉलेज में ना सबने कहा कि डैड मुझे नाइट आउट के लिए नहीं अलाउ करेंगे, लेकिन मैंने कहा कि नहीं करेंगे, वो जरूर हाँ कहेंगे, लेकिन करीना। सुना उसने क्या कहा? कह रही थी कि वो बड़ी हो गई है। राज, वो सच में बड़ी हो गई है, और अच्छी बात है ना, पापा की उंगली पकड़ के चलने वाली अपनी करीना अब इंडिपेंडेंट हो गई है। वी शुड बी प्राउड ऑफ हर। मैं बच्ची नहीं हूँ। हाँ करीना, पर तुम बहादुर तो हो, नहीं रोते। तो बाबू, आप बहादुर नहीं हो? हाँ हूँ। क्यों? तो आप क्यों रो रहे हो? मैं रो रहा हूँ क्योंकि तुम रो रही हो, मैं तो तुम्हें देख के रो रहा हूँ ना। अच्छा तो चुप करो, ये लो। क्यों? क्या हुआ? अरे रुको भाभी, आप नाइट में मॉर्निंग वॉक क्यों कर रही हो? Objection, Your Honor. मेरी फाजिल दोस्त, मेरी फाजिल बीवी मॉर्निंग वॉक नहीं कर रही, सोच रही। हेलो, सोच तो आप बैठ के भी सकती हो ना? ये तो हम सोचे ही नहीं। आओ तो बैठो, जरा सोचो, हमारे साथ आओ, सोचो। चलो सोचते हैं। लेकिन भाभी सोचना क्या है? करीना और बॉबी के बारे में। करीना और बॉबी का रोने का मुखर तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। करीना तो नाइट आउट पे ना जाने की वजह से उदास है, लेकिन बॉबी बेबी को क्या हुआ है, वो क्यों रो रहे हैं? करीना तो पहले से ही रो रहा था, तो शशि ने बॉबी को करीना को चुप कराने के लिए भेजा। करीना तो चुप हुआ नहीं, लेकिन बॉबी रोने लग गए। भाभी, बॉबी तो है ही आंसुओं की रेन मशीन, लेकिन अब हम क्या करें? मुझे ना करीना को ऐसे उदास बैठे देखा नहीं जाता। हम सबको मिलके समझाना पड़ेगा करीना को। आज भैया, योर ऑनर, मैं इस भरी अदालत में ये कहना चाहूंगा कि करीना को उसके दोस्त के यहाँ
नाइट आउट के लिए भेजा जाना चाहिए। नहीं, करीना अगर नाइट आउट के लिए जाएगी तो सारी नाइट मेरी नींद उड़ जाएगी। ये तो अच्छा ही होगा, आप रात भर जगकर ना अपनी बुक कंप्लीट कर लीजिए। ये आ। वैसे राज भैया, गलती आप ही की है। कहीं ना देखिए कितनी सैड हो गई है, बॉबी और रणबीर कितनी देर पहले गए थे उसे रूम से लाने के लिए, अभी तक नहीं आए। बॉबी, तू तो करीना को चुप करवाने गया था, खुद ही रोने लगा है? और रणबीर कहाँ है? बाबूजी, करीना ने डांडे से मना कर दिया। नहीं देखो बाबूजी, मैंने उसको समझाने की कोशिश की, वो समझ ही नहीं रही। अब रणबीर बैठ के समझा रहा उसको। जब डॉक्टर खुद ही बीमार हो, वो मरीज का क्या इलाज करेगा है? देख देख कैसे रो रहा है तू। बाबूजी, आप मुझे बताइए कि मेरा कसूर क्या है इसमें? कसूर तेरा नहीं है राजपुत्र, वक्त। कसूर वक्त का है, ये वक्त कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। तेरे बच्चे कब बड़े हो गए तुझे पता ही नहीं चला, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो माँ बाप की उंगली छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। और मुझे पता है कितनी तकलीफ होती है उनका हाथ छोड़ने में, लेकिन एक ना एक दिन सभी को छोड़ना ही पड़ता है। मैंने भी तो किया था तेरे साथ, याद है तुझे जब तू 16 साल का था? दादाजी, तब क्या हुआ था? है? क्या तुझे याद है ना? बात भी याद है और वो हॉरर फिल्म भी। इवनिंग पापा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं जब किसी को सीढ़ी चढ़ते हुए देखता हूँ ना तो चीख निकल जाती मेरी। जो पीठ दर्द तब शुरू हुआ था ना, वो आज तक ठीक नहीं हुआ। बाबूजी, वो आप ना आयुर्वेदिक दवा नहीं लेते, आप लो तो आपकी पीठ में कभी दर्द हो ही ना। एक मैं अभी लेके आऊं। अरे कहीं जाने की जरूरत, हर जगह काम नहीं करता आयुर्वेद। बाबूजी, फिर क्या हुआ था? फिर उस दिन के बाद मैंने हॉरर फिल्म देखना बंद कर दिया, क्योंकि बाऊजी की चीख उस फिल्म की चीख से ज्यादा डरावनी थी। देखा राज, बाऊजी ने कैसे वक्त के साथ सीख ही लिया कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उन्हें स्पेस देना चाहिए, उन्हें अपनी राह में आगे बढ़ने देना चाहिए। चलिए अब खाना लग गया है, आइए आइए। अमृता सही कह रही है राज बेटा, मैंने तेरी माँ की बात नहीं मानी थी ना, मेरी पीठ का दर्द आज तक नहीं गया और मुझे पछतावा भी होता है, इसलिए अमृता की बात मान ले। तो मुझे डरा ही दिया, नॉक करके आना चाहिए था। आप खुद से यहाँ बैठ के ना रहे थे तो नॉक करके आऊं। ये बात भी सही है भैया, आपकी लैंग्वेज में कहूं तो IAS। IAS? I am sorry। तू सॉरी क्यों है? क्योंकि मिलोट, मुझे लगता है कि भरी अदालत में मैंने आपका दिल दुखा दिया, इसलिए मुझ पर दफा 300 नहीं, अब 200
चलो दफा को मारो गोली। तो भैया आपने क्या सोचा है? पहले हम चेस खेलेंगे, बास्केटबॉल, फिर उसके बाद हम नाश्ता करेंगे। भैया मैं करीना की बात कर रहा हूँ। पापा मेरा हाथ इतना छोटा क्यों है? आपका इतना बड़ा क्यों है? छोटी तुम मेरा हाथ आपके जितना बड़ा कभी ऐसे नहीं बताया करो। जब तुम एक दिन बड़ी हो जाओगी नहीं अभी भी तुम बड़ी नहीं हुई। उदास मत हो, एक दिन सभी बड़े हो जाते हैं और तुम भी हो जाओगी। सॉरी तुम सच में बड़ी हो गई। फर्स्ट नाइट आउट है ना, बहुत धमाल करना। भाभी राज भैया ने ना बहुत अच्छा किया कि कारीना को नाइट आउट के लिए परमिशन दे दिया, वरना कारीना का मूड तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था ना। आपके मोबाइल फोन पे जो कवर है ना, आप कल उसे प्लीज मुझे वापस दे दीजिएगा, क्योंकि डैड का दिया वो कोई भी गिफ्ट मैं शेयर नहीं कर सकती। थैंक यू, नाउ गो एंड एंजॉय योरसेल्फ। बाय बाय बेबी बाय गई। अरे भाई चलो अब राम प्यारी की थोड़ी सेवा करो। चलो सच पूछो तो बच्चे कभी माँ बाप का हाथ नहीं छोड़ते, शायद छोड़ भी नहीं पाते, क्योंकि फूल चाहे डाली से अलग हो जाए लेकिन उसकी महक से पता चल जाता है कि वो कौन से पौधे का हिस्सा है।